नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया आज 1:35 और ये ऊपर ही खुलेगा मार्केट 18,050 के आसपास या 18,060 के आसपास वहाँ खुलेगा। आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है, 18,030 ठीक है, इसके ऊपर बना रहता है तो बाई है। 18,030 के ऊपर बना रहता है तो प्योर 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 बाई है, और टारगेट आपके रहेंगे 18,080-90 के बीच में, देन 18,130 और 18,180 ठीक है, ये आपके टारगेट रहने चाहिए ऊपर की तरफ। बट अगर 18,030 टूट जाता है तो कोई बाय नहीं है, ठीक है, कोई बाय नहीं है, वहाँ पे वेट करिए। और 17,992 ये टूटता है तो नीचे की तरफ सेल भी कर सकते हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। बैंक निफ्टी में पूरा प्योर बाई है, बट खुलेगा कहाँ, ओपन कहाँ होगा वो हमको देखना पड़ेगा। और 38,800 ठीक है, 18,800 यहाँ पे आप ज़रूर प्रॉफिट बुक करिएगा अगर आप बाई में हैं तो। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखनी होगी हमें, क्लोजिंग कहाँ आती है। अगर 18,800 के ऊपर क्लोज करने में बैंक निफ्टी कामयाब रहता है तो भैया फिर बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। व्यू मेरा ये है 18,800 इसके ऊपर क्लोजिंग शायद ना आए बैंक निफ्टी की, ठीक है। और सेकंड क्या कहते हैं, 12-1 बजे के बाद मार्केट गिर सकता है, 1-2 बजे इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सेल का लेवल निफ्टी में 7,992 है, इसके नीचे ही सेल है। बाय 18,030 से ऊपर बना रहे तभी है। और क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी में नीचे का सेल जो सेलिंग का लेवल है वो 350 के नीचे है भाई, उससे नीचे नहीं है। बाकी लाइव मार्केट में मैं टाइम लगेगा बताऊंगा आपको। ये फ़िलहाल चाय पे चर्चा थी आज के लिए 13th ऑफ अक्टूबर के लिए। थैंक यू।